इतवार जो दोपहर है 2 बजे खुशबू सिर्फ डीडी उर्दू समय पर। का हुआ। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं हूं सैयद जावेद नईम। दोस्तों, जब मेरे और आपके कदम बढ़ेंगे एक साथ तवाफे जहां के लिए, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में हिंदुस्तान की तस्वीर का जो नक्श है वो पूरी तरह बदल जाएगा। आइए आज राजस्थान के कदीम और नामचीन शहर जयपुर का रुख करते हैं, जिसे तारीख दान ने कई नामों से नवाजा है। बादशाह के ताज का नायाब हीरा, हिंदुस्तान की रूह, गुलाबी शहर। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जयपुर हाईवे यही है ना? दिल्ली से जयपुर नेशनल हाईवे 8 का इस्तेमाल करके पहुंचा जा सकता है। सफर में लगने वाला वक्त ट्रैफिक जैम और सड़क की हालत से जूझता हुआ 5 से 7 घंटे का हो सकता है, लेकिन ये वक्त इस बात पर भी मुनहसिर करता है कि रास्ते को आप किस तरह जीते हैं, क्योंकि असल सफर तो रास्ते और उसके मुकाम का होता है। मंजिल को तो बस सफर की इंतहा कहा जा सकता है। किसी भी सफर का एक अहम हिस्सा होता है रास्ते में रुक के अच्छा खाना खाना। इतना लजीज खाना मैंने काफी दिनों बाद खाया है। बलम पधारो महारे देश रे। एक लंबे सफर के बाद नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं गुलाबी शहर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और इसे गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितनी भी दुकान और मकान है वो सब गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं। महारानी एलिजाबेथ और वेल्स के शहजादे जयपुर आए तो पूरे शहर को गुलाबी रंग से ढक दिया गया था। पर उनके लिए इससे भी हैरतअंगेज बात थी जयपुर का मंसूबा बंद शहर होना।
नाज़रीन, शहर के गुलाबी होने के पीछे भी एक बहुत ही मज़ेदार वाक़या है। कहा जाता है कि 1878 में जब वेल्स के शहजादे यहाँ पर आए थे तो उस वक्त के राजा सवाई राम सिंह ने उनके खैर मकदम के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था, और तब से ये रिवायत चली आ रही है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग अपने घर को गुलाबी रंग से ही रंगवाते हैं। जयपुर शहर का डिजाइन राजा जयसिंह के हुक्म पर विद्याधर भट्टाचार्य ने तैयार किया था। हिंदुस्तान का पहला ऐसा सूबा जिसे शहरी मंसूबे की तर्ज पर तैयार किया गया था, वास्तुशास्त्र के मुताबिक बने होने की वजह से भी खास अहमियत रखता है। जयपुर एक लंबे वक्त से राजस्थान की दारुल उलूम है। जयपुर के लोग मौसीकी और फन को जितना पसंद करते हैं उतनी ही दखलंदाजी भी रखते हैं। नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं हवा महल पर, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे झरोके हैं, कितनी सारी खिड़कियां हैं। इसको बनवाया था यहां के राजा सवाई राम सिंह ने 1799 में, और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 993 झरोके हैं इसमें। देखिए, इन झरोकों के बनाने का मकसद तो ठंडी हवा लेना ही नहीं था, बल्कि शाही घरानों की जो औरतें हुआ करती थी, अगर कभी उन्हें बाज़ार की तरफ देखना होता था तो बहुत आराम से इन खिड़कियों में बैठ के यहां से बाहर देखा करती थी, और बाहर वाले उन्हें कभी नहीं देख पाते थे। हवा महल की तामीर सन 1799 ईस्वी में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने करवाई थी। हवा महल राजपुताना आर्किटेक्चर और जयपुर की शानदार अलामत है। पुराने शहर की अहम गलियों के साथ जुड़ी ये 5 मंजिला इमारत भगवान कृष्ण के ताज के तर्ज पर बनवाई गई है। गुलाबी रंग की 8 कोने वाली ये इमारत छत्तेदार बलुए पत्थर की खिड़कियों से सजी हुई है। शाही खवातीन शहर की रोजमर्रा की जिंदगी और शहर के जुलूस को देख सके, इसी सोच से इस महल की तामीर करवाई गई थी। हवा महल की पहली मंजिल का नाम शरद महल है, जहां पतझड़ और सर्दी के आने पर जश्न मनाया जाता था। हवा महल की दूसरी मंजिल का नाम रतन मंदिर है। रतन मंदिर की दीवारों और छतों पर शीशे का बेहद उम्दा काम किया गया है। मुख्तलिफ रंगों के शीशों से सजी खिड़कियां बेहद खूबसूरत हैं, जो देखने वाले को हैरतअंगेज कर देता है। तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर कहा जाता है, जो छत पर जाकर खुलती है। विचित्र महल की खिड़कियों से शहर का नजारा लिया जा सकता है। यहां से शहर अपने पूरे रंग में नजर आता है। हवा महल की चौथी मंजिल प्रकाश मंदिर है। अपने नाम के मुताबिक ये मंजिल रोशनी से सराबोर रहती है। रोशनी अपना रास्ता इन खूबसूरत जालियों से ढूंढती है। हवा महल की आखिरी और पांचवी मंजिल हवा मंदिर है। इस जगह की खासियत है कि चाहे मौसम कोई भी हो, आपकी घड़ी ने कितना भी बजाया हो, यहाँ हर वक्त हवा के झोंके ताजगी का एहसास कराते रहते हैं। अपनी इसी खासियत की वजह से ये मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है।
नाज़रीन, ये है यहाँ का एक और मशहूर महल, जल महल। हालांकि आजकल इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इसकी दीवारें कुछ कमज़ोर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि शाम में यहाँ पर आवामी और बाहर से आए हुए सैलानी काफ़ी तादाद में होते हैं इस झील की वजह से, जिससे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। सन 1596 ईस्वी में कहत की वजह से यहाँ पानी की काफ़ी तंगी हो गई थी। उस वक्त आमेर के हाकिम ने तय किया कि आमेर और अमागढ़ की पहाड़ियों के बीच एक पुश्ता बनवाया जाए जिससे कहत के दौरान पानी की तंगी ना हो, और नतीजे के तौर पर मानसागर झील वजूद में आई। जल महल बनवाने की शायद ये भी वजह थी कि शाह को परिंदों का शिकार खेलने का जब भी दिल करता था वो अपने वज़रा के साथ यहाँ आ जाते थे। चांदनी रात में झील के पानी में इस महल का अक्स बेहद खूबसूरत लगता है। रात घिरते ही जयपुर की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर जाती है। रात होते ही जयपुर के बाजार चमचमाने लगते हैं। जयपुर के बाजारों में उन खरीदारों की भीड़ अपने पूरे शबाब पर होती है जो खरीदारी करने के लिए रात की अहमियत और लुत्फ को पहचानते हैं। जयपुर के बाजारों की ये खासियत है कि बाजार का एक खास हिस्सा किसी खास सामान के लिए ही इस्तेमाल में होता है। जैसे बापू बाजार साड़ियों और कपड़ों के लिए सबसे बेहतर है। जयपुर मुख्तलिफ कस्म के कीमती पत्थर जौहर व जवाहर के लिए भी बेहद मशहूर है। पुराने शहर के जनूबी मशरक़ी हिस्से पर मुस्लिम आबादी वाले पहाड़गंज इन जौहर और कीमती पत्थर के खरीदो फरोख्त का अहम मरकज़ है। नाज़रीन, जयपुर काफ़ी मशहूर है अपने कीमती पत्थरों और नगीनों के लिए। मैं काफ़ी देर से एक दुकान ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ मालूम हासिल करनी थी। यहाँ पर मुझे एक दुकान नज़र आ रही है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीक़ों के पत्थर हैं और कुछ नगीने नज़र आ रहे हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को ये पत्थर और नगीने, और इनसे कुछ मालूम हासिल करने की कोशिश करूँगा इस बारे में। आप मुझे ये बताइए कि ये काम क्या वाकई में काफ़ी बड़ा है जयपुर के अंदर? जी, बहुत बड़ा है। तो जयपुर ही क्यों? क्योंकि ये शायद जहाँ तक मैंने सुना है जयपुर में ये पत्थर नहीं होते हैं। नहीं, जयपुर में नहीं होते, अलग अलग कंट्री से लेके आए जाते हैं, मतलब अलग अलग मुल्क से यहाँ पर आते हैं। यहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है। मुझे मतलब थोड़ा बताइए कि वो क्या कैसे होती है, क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज रूबी। अच्छा, ये बिल्कुल रफ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मुझे तो काफ़ी ताज्जुब हो रहा है इस पत्थर को देख के। ये रूबी है, काफ़ी लोगों की अंगूठियों में और काफ़ी लोगों के जेवरात में, अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के जेवरात में मैंने देखा है। ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि रूबी है क्योंकि ये अभी पॉलिश नहीं हुआ है, इसकी कटिंग नहीं हुई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा पॉलिश और कटिंग के बाद जो जयपुर के कारीगर हैं उनके हाथों से गुजरने के बाद ये किस तरीके से हो जाता है। एक होता है जस्ट पॉलिश। अच्छा, और ये कटिंग वाला। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक खुरदुरा सा पत्थर देखा था, वो ये था। अब आप देख सकते हैं पॉलिश के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत है। ये कटिंग भी हुई हुई है इस वाले में, कटिंग और पॉलिशिंग दोनों हुई हुई है। मैं एक बार आपको फिर दिखाता हूँ कि वो असली पत्थर कैसा होता है। आप हैरत करेंगे दोनों पत्थरों को देख के कि असलियत में ये पत्थर ऐसे मिलता है और उसके बाद ऐसा हो जाता है। और ये कमाल कोई जादू नहीं है, यहाँ के कारीगर, जयपुर के कारीगर इतने अच्छे हैं कि उनके हाथों से गुजरने के बाद ये पत्थर किस शक्ल में आ जाता है। अच्छा, यहाँ जो रखे हुए हैं सब असली पत्थर हैं? ये सेमी प्रीसियस है। अच्छा, ये मतलब इतने कीमती नहीं है जितने वो पत्थर आपने मुझे। अच्छा, तो दिखाइए ज़रा मुझे कुछ अच्छा सा कोई। लेकिन ये क्या मतलब पूरा एमेथिस्ट, पूरा उतना ही एमेथिस्ट कीमती जितना आता है या थोड़ा सस्ता है? ये सेमी प्रीशियस है। ये सेमी प्रीशियस है, ये इन पत्थरों की कीमत उतनी नहीं है
और ये उतने असली भी नहीं है, मतलब नकली नहीं है लेकिन उतने असली भी नहीं है। तो इसमें दो कैटेगरी, ये कैटेगरी के हिसाब से हैं, ये इनके वजन और सेमी पीसेस। हाँ, अच्छा ये कितने का होगा ये वाला? अगर लिया जाए तकरीबन होगा 3,000। ये 3,000 रुपये का है, इससे आप पहन सकते हैं, इसे आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। बल्कि वो छोटा वाला पत्थर दिखने में मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना छोटा सा पत्थर 1.5 लाख रुपए का, कम से कम बड़े पत्थर लिए दिखने में नज़र तो आएगा कैसा है। इस बात का अंदाज़ा बहुत कम लोगों को होगा कि जयपुर अपने वेजिटेरियन खाने के अलावा नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए भी जाना जाता है। पूरे दिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, और मुझे पता चला है कि रामगंज में कुछ रेस्टोरेंट हैं जो बहुत ही अच्छा नॉन वेज खाना पकाते हैं। तो मैं आया हूँ ये देखने के मुझे यहाँ पर कौन कौन से जायके खाने को मिलेंगे। आइए मेरे साथ और पता करते हैं कौन कौन से जायके। लाल मांस एक पुरशौक पकवान है जिसका शोरबा सुर्ख होता है। ये आमतौर पर बकरी के गोश्त से तैयार किया जाता है। ये एक तीखा और मसालेदार सालन है। नाज़रीन, पूरे दिन की भागदौड़ के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं इस जगह पर आया हूँ खाना खाने के लिए, और मैंने अपने लिए मंगवाया है चिकन फ्राई और ये लाल मांस, और मैं आपको बताऊँगा कि इसका जायका कैसा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी खास जगह पर ही बनती हैं और वो उसी की वजह से मशहूर होती हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ, इसकी थोड़ी मिर्च तेज़ है लेकिन ये खाने में बहुत ही अच्छा है। कुछ कुछ आप समझ लीजिए कि अगर तंदूरी चिकन या चिकन कोरमे को एक साथ मिलवा दिया जाए, थोड़ा सा वैसा टेस्ट आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत ही उम्दा है। चिकन फ्राई भी मुझे यकीन है, चिकन फ्राई हालाँकि ज़्यादातर जगह पर एक जैसा होता है, लेकिन इनकी प्रिपरेशन, इनकी चटनी में थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने बताया कि हम अलग तरीके की चटनी बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा जायका हो जाता है इस चिकन का, इस चटनी की वजह से। वरना चिकन फ्राई ज़्यादातर जगह पर एक जैसा ही होता है। वाकई में इनका खाना बहुत उम्दा है। जयपुर में दस्तक दी है एक और नई सुबह ने, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस नई सुबह ने मुझे एक खूबसूरत तोहफा दिया है, नाहरगढ़ किले से रूबरू होने का तोहफा। जी हाँ, मैं हूँ नाहरगढ़ किले के ऊपर, जहाँ से शहर का ये खूबसूरत नज़ारा सच में बेहद पुरकशिश और लाजवाब दिखता है। नाहरगढ़ किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पहाड़ी पर बना हुआ है। कहा जाता है कि सवाई राजा जयसिंह द्वयम ने अरावली पहाड़ की तरफ से आमेर को महफूज रखने के लिए इस किले की तामीर सन 1734 ईस्वी में करवाई थी। किस्सा मशहूर है कि नाहर सिंह नाम के किसी राजपूत की रूह यहां भटका करती थी, जो इस किले की तामीर होने में परेशानियां खड़ी किया करती थी। तांत्रिकों की सलाह पर राजा जयसिंह ने इस किले का नाम नाहरगढ़ रख दिया, जिससे इस किले की रूहानी परेशानी खत्म हो गई और तब से इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ गया। इसके अलावा 19वीं सदी में सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह ने किले के अंदर इमारतों की तामीर करवाई। सावरियो घट मागी रे, रामियो घट रे।
राजा सवाई राम ने अपनी नौ रानियों के लिए मुख्तलिफ रिहाइश बनवाई जो किले के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक हैं। नाहरगढ़ किले का टैंक इधर कुछ सालों में सैयाहों के बीच बेहद मशहूर हुआ है। मशहूर फिल्म रंग दे बसंती की शूटिंग किले के इस टैंक में हुई थी। आजकल इसे रंग दे बसंती पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन, मैं जा रहा हूँ इस वक्त आमेर किले की तरफ, जो जयपुर का एक बहुत ही मशहूर किला है। इसे बनवाया था कछवाहा राजपूतों ने, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और जिनकी हुकूमत वहाँ पर तकरीबन 800 साल रही। तो अभी मैं किले के अंदर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि यहाँ की और क्या खसूसियात। आमेर किला जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जिसकी तामीर राजा मान सिंह ने सन 1592 ईस्वी में करवाई थी। जयपुर से पहले राजस्थान की दारुल उलूम आमेर ही थी। अपने वसी दरवाजे की सफ और लंबे रास्ते के साथ ये किला ऐसे नजर आता है कि सामने मौजूद मावड़ झील की जानिब देख रहा हो। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना ये किला अंदर से हिस्सों में बटा हुआ है। दीवाने आम, जो अवाम से मुलाकात और दरबार लगाने की सोच से तामीर कराया गया। दीवाने खास, जो राजा के खास मेहमानों के लिए तामीर कराया गया। मैं अब आपको दिखाऊंगा यहाँ का दीवाने खास, जो यहाँ के बहुत ही खास लोगों के लिए बनाया गया था। राजा के जो खास लोग हुआ करते थे, वो उनसे यहाँ पर आकर मिला करते थे। नाज़रीन, यह है दीवाने खास, जहां पर राजा अपने खास लोगों से मिला करता था। आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारों पर और छत पर शीशे का काम हुआ हुआ है, और बाहर से जो धूप की रोशनी पड़ रही है तो उससे ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का काम इसकी छतों पर हो रखा हो। बहुत ही खूबसूरत है यह। शीशे को जिस खूबसूरती से काट छांट कर महल में लगाया गया है, काबिले दीद होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी करता है। मुख्तलिफ महलों, मजलिसों, मंदिरों और बागीचों की इस दिलचस्प इमारत को यूनेस्को ने साल 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार किया है। जयपुर शाम होते ही अपने होटल्स, पैलेसेस और तहजीबी मरकजों के साथ मौसीकी के सुर में गूंज उठता है, और जयपुर की हर एक तस्वीर जो दिन भर हमने देखी होती है फिर से जिंदा हो जाती है। राजस्थानी फोक जिस तरह दुनिया की मौसीकी से जुगलबंदी करता है, सुनने वाला गुलाबी शहर के रंग में डूबा चला जाता है।
बचपन में हम सभी कभी ना कभी सोचते हैं कि परिंदों की तरह बिना किसी बंदिश के बस यहाँ वहाँ उड़ते रहें, लेकिन बड़े होने के साथ ही हमें एहसास होता है कि हम परिंदे तो हैं नहीं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें हैं जो दिल में रह जाती हैं। तो मैं चला एक नए सफ़र पर, और इस सफ़र में अगर आप मेरे हम सफ़र रहे तो लुत्फ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।